हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम श्रीवास्तव। क्रिकेट लेट्स बिगिन के प्लेटफॉर्म पर आज फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्रिकेट, नाउ लेट्स बिगिन। चलिए हम आज ऐसा करते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी के हम एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसको यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से समराइज्ड किया गया है। तो देख लेते हैं, पहले हम ये एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को पूरा कंप्लीटली देख लेते हैं, फिर हमें काफी चीजों को समझने में मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टेल्स यू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन स्पेस। बिल्कुल बात सही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो किसी भी पॉइंट पर स्पेस में हमें क्या क्या बताता है कि उसका मैग्नीट्यूड बताता है और उसकी डायरेक्शन बताता है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम, यानी जो लाइन डायग्राम होता है, जैसा कि आपको ये नीचे दिखा हुआ मिल रहा है, कैन गिव यू द डायरेक्शन एंड सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एन एक्सटेंडेड रीजन ऑफ स्पेस। और वो डायग्राम जो होता है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को बताता है। यू वॉन्ट टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश दीज टू रिप्रेजेंटेशन, बी एबल टू इंटरप्रेट बोथ ऑफ देम। यानी अगर आपको ये पूरा का पूरा फिनोमेना समझ में आ जाए तो आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजों को काफी अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी उनकी व्याख्या कर सकते हैं बोथ ऑफ देम, एंड बी एबल टू स्विच बिटवीन दीज टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ही रिप्रेजेंटेशन को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द फील्ड लाइन्स फॉर अ पॉजिटिव चार्ज आर शोन बिलो। उन्होंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हमें यहां पर कुछ फील्ड लाइन, और वो भी किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव का एक कोई चार्ज है क्यू, आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो फील्ड लाइंस हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब इसी डायग्राम को देखते हुए हमें पूरा का पूरा अगला जो यहां पर दिया हुआ है इसके बारे में कुछ करना है। क्या करना है ये देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है यूज द डायग्राम अबव, ये जो ऊपर की तरफ डायग्राम दिया हुआ है इसका यूज करना है, टू ड्रॉ फील्ड लाइंस, यानी हमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है किसके लिए, फॉर द चार्जेस माइनस क्यू बाई टू, यानी इसके लिए जो माइनस क्यू बाई टू दिया हुआ है, और प्लस टू क्यू बिलो, यानी यहां पर जो दिया हुआ है। तो क्लियर एक चीज है कि हमें ये थ्योरी केवल और केवल एक एक्सप्लेनेशन किया गया है। मेनली क्वेश्चन हमारा यहां से स्टार्ट होता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइन्स है वो बाहर की तरफ निकल रही है और इतनी फील्ड लाइन्स निकल रही है, तो यहां पर जो माइनस क्यू बाई टू और प्लस टू क्यू होगा तो इन पर कितनी लाइन्स पहुंचेंगी या इनसे कितनी लाइन्स निकलेंगी। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं, इस वाले टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। आप एक चीज देखिए, ये हमने मान लिया कि ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, इससे कितनी लाइंस निकल रही है आप पहले ये देखिए। आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां से जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकल रही है, यानी n इज इक्वल टू कितनी है, 8 है। आप इतना चीज देख पा रहे होंगे क्लियरली। अब कह रहा है माइनस क्यू बाई टू और प्लस टू की बाई टू पे कितनी लाइंस पहुंचेंगी या निकलेंगी। पहली चीज, एक चीज देखो, ये माइनस चार्ज है तो इससे बाहर तो नहीं निकलने वाली, इसकी तरफ आने वाली है, और कितनी आने वाली है ये यहां पर हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरी चीज, ये जो प्लस टू क्यू दिया हुआ है यहां पर लाइन्स निश्चित तौर पर इसकी तरफ आएंगी। फिलहाल हम इस वाले कितनी आएंगी वो हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल हम इस चीज को आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। आप जरा एक चीज देखो, यहाँ पर कुछ क्लियर हो रहा होगा कि हमने पीछे पढ़ा था जो चार्ज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइन्स। ये हमारा मेन फॉर्मूला था, आप सभी लोगों को इतना पता है, जो चार्ज होता है वो नंबर ऑफ लाइन्स पर डिपेंड करता है। और देखो ये एरो आउटवर्ड होंगे कि इनवर्ड होंगे, ये तो चार्ज की पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम इसकी बात करते हैं, यानी फॉर प्लस क्यू चार्ज, यही तो हो रहा है ना, हम इस चार्ज के बारे में बात करते हैं। इस चार्ज के बारे में क्या बात करेंगे, प्लस क्यू चार्ज के लिए अगर हम देखें तो प्लस क्यू है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कितनी लाइंस निकल रही है, 8 लाइंस निकल रही है। तो हमने इसको मान लिया क्या, सेकंड इक्वेशन, और ये किससे माना है हमने, इसी के बेसिस पे तो इस इक्वेशन को हमने कंसिडर किया है। अब क्या करते हैं, फॉर पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फॉर माइनस क्यू बाई टू। अब इस वाले चार्ज के लिए बात करते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इतना 8। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि N2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो था वो N1 इज इक्वल टू 8 था, तो N2 इज इक्वल टू, हमें पता नहीं है कि कितनी लाइन्स पहुंचेंगी, तो हमने इसमें क्या लगा लिया, क्वेश्चन मार्क। अब आप जानते हैं कि बाई फॉर्मूला फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर एक चीज और, हम इस वाले को क्या मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं, इस वाले चार्ज को हमने क्या मान लिया, Q2। तो Q2 is directly proportional किसके होगा, N2 के,
इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। और Q2 कितना है? Q2 है -Q/2। हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N2। हमने इसको क्या मान लिया? इसको मान लिया हमने थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं किसका, सेकंड इक्वेशन का। तो अब थर्ड इक्वेशन में जब हम सेकंड इक्वेशन का डिवाइड करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्या निकल के आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/2 माइनस में /Q। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दें क्योंकि सेम है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2/8। अब देखो कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है मेरे भाई। क्या हो रहा है, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, 1/2 नीचे आएगा, इज इक्वल टू, हम इसको डायरेक्टली लिख लें 1/2। तो N2 इज इक्वल टू सॉल्यूशन करने पर कितना निकल के आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू 8/2। आप माइनस को यहाँ पर ज्यादा गौर मत करो क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे इज इक्वल टू 4। यानी कि जो -Q/2 है उस पर जस्ट कितनी लाइंस पहुंचेंगी, 4 लाइंस। तो इसको अब हम ड्रॉ कर लें, इसी डायग्राम में ड्रॉ कर लें। देखो जरा 1, 2, 3, 4, बात क्लियर हुई। तो इसका जो डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो आई होप आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, तो आपको काफी चीजें क्लियरली हो गई होंगी। और ये वाला पार्ट फिर से आगे लगाते हैं अगले वाले पार्ट में। तो आई होप इसको रफ कर देते हैं। चलिए देखिए, अब इसको हम आगे वाले पार्ट में समझ लेते हैं। देखिए जरा, ये सेकेंड क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं हम। तो देखो, हमारी इक्वेशन टू थी, उस इक्वेशन टू से क्या हो रहा था, प्लस क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 8। ये थी सेकेंड इक्वेशन। अब 4 + 2Q चार्ज, इसके लिए मान लें, हमने इसको मान लिया प्लस टू क्यू को, हम क्या मान लें, हम इसको मान लेते हैं Q3। इस प्लस टू क्यू को क्या मान लिया, Q3। और जो इस पर नंबर ऑफ लाइंस पहुंचेंगी, नंबर ऑफ लाइंस हमने मान लिया N3, वो हमें पता नहीं है जितनी इस पे पहुंचेंगे, नहीं सॉरी, इससे जो बाहर निकलेंगी N3 हमें पता नहीं है। तो हम क्या ऐसा नहीं कह सकते हैं Q3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N3 बाय इक्वेशन फर्स्ट। भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन के। तो क्या हो गया, इसको हमने मान लिया थर्ड तो हो गया था, इसको हमने मान लिया फोर्थ इक्वेशन। अब क्या हो जाएगा, इसको फोर्थ इक्वेशन माना, तो बाय इक्वेशन कौन कौन सी इक्वेशन, सेकेंड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, Q3/Q इज इक्वल टू, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाएंगे, कोई कॉन्स्टेंट आएगा तो कट जाएगा सीधा सीधा, तो N3/8। अब देखो Q3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, Q3 की जगह पे आप सभी को पता है ये जो Q3 है, ये जो Q3 है वो कितना है, +2Q। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, +2Q/Q इज इक्वल टू N3/8। कुछ हो रहा है, आप देखो जरा, बहुत चीजें क्लियर होनी होगी। ये गया 8 ऊपर गया, तो यहां से वैल्यू N3 की कितनी आ गई, करेंगे 8 × 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। तो एक बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, कि जो हमारा +2Q वाला चार्ज होगा वो उस पर टोटल 16 लाइंस जो होंगी उससे बाहर निकलेंगी, ये इस तरीके से। कितनी हो गई ये, 4, फिर 5, 6, 7, 8, इनके बीच में बना दो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो एक चीज देखिए आपने, इस पे हो गई कितनी, 16, और -Q/2 पे कितनी आ रही थी, इस पे आ रही थी टोटल 4। तो देखो, माइनस केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि इनवर्ड्स होगी, और प्लस ये रिप्रेजेंट करता है कि आउटवर्ड्स होंगे, पॉजिटिव के कारण यही होता है। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जो उसने डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन बोला था, हम इस तरीके से अपने बोर्ड में, हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार फिर से पॉज करके देख लीजिएगा, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पर क्लियरली समझ ली होगी, अब हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। और यहां पर कुछ चीजें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फोर्स में पढ़ा था कि फोर्स ड्यू टू द सिस्टम ऑफ फोर्सेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी जब बहुत सारे चार्ज हमें दिए जाते हैं तो उन चार्जेस के कारण किसी पर्टिकुलर चार्ज पर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या ओवरऑल फोर्स होगा, जिसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस बोल रहे थे। और यहां पर एक तरीके का ये भी सुपरपोजिशन ही है चार्जेस का, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस स्टडी करेंगे। आप यहां पर डायग्राम में बहुत चीजें क्लियरली देख पा रहे होंगे। हमने क्या किया, एक पॉइंट है हमारे पास पी,
देखिए जरा ये पॉइंट है पी, इस डायग्राम में क्या बता रहा है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी बहुत सारे चार्ज होंगे तब उसके कारण। हमने इस डायग्राम में देखो जरा कितने चार्ज लिए हैं, एक तो हमने क्यू वन लिया है, दूसरा क्यू टू लिया है, तीसरा क्यू थ्री लिया है और चौथा क्यू फोर लिया है। और यहाँ पी पॉइंट पर इन चारों ही चार्जेस के कारण, या जो इनका सिस्टम है इनके चार्जेस के कारण जो नेट फील्ड जनरेट हो रही होगी हमें वो निकालनी। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, सभी चार्जेस पॉजिटिव है क्योंकि इनके आगे कोई भी साइन नहीं लगा, अगर कोई साइन नहीं दिखाया गया दैट मीन इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसके आगे कोई भी चार्ज नहीं लगा, कोई भी पोलैरिटी नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो Q1 Q2 Q3 Q4 चारों ही पॉजिटिव है, तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव चार्जेस के कारण जो P पॉइंट पर फील्ड जनरेट होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम दीस चार्जेस। सो आप देख पा रहे होंगे सभी फील्ड, चाहे वो E1 हो, E1 आप देख पा रहे होंगे Q1 और P को मिलाने वाली जो लाइन है, E1 जो है वो क्या है, Q1 और P को मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग तो वर्क कर रहा है E1। सिमिलरली अगर आप देखें Q2 के कारण जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप देख पा रहे होंगे Q2 के भी कारण क्या है, अवे फ्रॉम दिस चार्ज, P पॉइंट पर जो फील्ड जनरेट हो रही है। तो आप एक चीज समझ गए कि जो चार्ज होते हैं उनके कारण फील्ड क्या होती है, अवे फ्रॉम दिस चार्ज, और E2 जो है वो अवे और अलोंग द लाइन। आपको ये भी बात पता है कि जो फोर्स वर्क करता है बिटवीन द चार्जेस या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी लाइन के अलोंग वर्क करता है। तो ये चीज भी आप देख पा रहे हो। सिमिलरली अगर आप Q3 की बात करें तो Q3 पर भी बहुत कहानी कहीं ना कहीं कसमोकस वही है कि आप देख पा रहे हो Q3 से भी P पॉइंट पर जो फील्ड है वो E3 और अवे फ्रॉम Q3 और अलोंग द लाइन। सिमिलरली Q4 के कारण भी जो फील्ड लग रही है वो E4 है, वो भी अवे फ्रॉम P या Q4 और अलोंग द लाइन। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, हम इसको रफ करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो हमने एक चीज और मान ली कि यहां पर जो P पॉइंट है तो P पॉइंट की सभी चार्जेस से डिस्टेंस भी तो मालूम होने चाहिए। तो मान लिया कि Q1 से इसकी डिस्टेंस है R1P, यानी 1 से P तक की डिस्टेंस। सिमिलरली Q2 से जो डिस्टेंस है R2P है और Q3 से जो डिस्टेंस है वो है R3P और Q4 से जो P तक की डिस्टेंस है वो क्या है R4P। आई होप कि आपको ये सिस्टम का पूरा जाल है चार्जेस का वो समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। आपको एक चीज पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले इतनी बात देख लेते हैं फिर हम इसको प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर वैक्यूम में या फ्री स्पेस में चार्जेस रखे हुए हैं तो क्या होती है, 1/4πε0 और वो चार्ज अपॉन वहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में होती है तो इसके ऊपर हम एरो लगाते हैं तो यहाँ पर आर कैप भी आ जाता है, यानी डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर। तो आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला अभी तक याद होगा। तो चलिए इसी फॉर्मूले में सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं एट पॉइंट पी, देखिए जरा कॉन्सेप्ट को समझना, एट पॉइंट पी क्या, ड्यू टू क्या, Q1 चार्ज। तो Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम क्या मान ले, हमने मानी है यहाँ पर E1 is equal to क्या होगा, 1/4πε0, यहाँ पर क्या जाएगा Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या है यहाँ से P तक, आप देख पा रहे हैं R1P का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर जरूरी है। अब एक चीज और देखो, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, आपको पता है, तो इस पर हम लगा देंगे वेक्टर और यहाँ पर R1P का कैप। तो आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। अब सिमिलरली हम किसके कारण देख लेंगे, हम देखेंगे किसके कारण, ड्यू टू, अब हम देखेंगे ड्यू टू Q2 चार्ज क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू वही कहानी जो अभी तक दोहराते हुए आए हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा। अब इसको अगर वेक्टर लगाएंगे तो यहां पर क्या करेंगे, R2P का कैप, इसको हमने मान लिया क्या, सेकंड इक्वेशन। अगर आप देखें इसी तरीके से फॉर Q3, अब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा डीपली, थोड़ा थोड़ा लिखता जाऊंगा, तो Q3 के कारण क्या हो जाएगी, तो E3 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्या, Q3 अपॉन R3P। देखो जरा Q3 का, ये Q3 के कारण क्या हो जाएगा, R3P का स्क्वायर। और यहां पर अब हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एरो, तो यहां पर R3P का कैप। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही अगर ये E3 था, अब देखो ये E3, ऐसे E4, ऐसे ही अगर हम बात करें Qn के कारण, सोचो जरा अगर n चार्जेस हो तो Qn के कारण क्या हो जाएगी, En इज इक्वल टू 1/4πε0 Qn अपॉन Rnp का स्क्वायर। यहां पर हालांकि n नहीं दिया हुआ है लेकिन हमने मान लिया ऐसे ही,
जब हम ज्यादा सीख गए हैं तो मान लेते हैं, तो चलो इसके लिए भी अगर वेक्टर लगाए तो यहाँ पर वेक्टर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एंड पी का कैप। समझ में आई इसको? चौथा, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है। ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या, सभी को ऐड कर दें, ई वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर प्लस ई थ्री वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगी कहानी, ई एन वेक्टर तक। तो कहानी क्लियर हुई, अब सभी की वैल्यू रख देंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो प्रिंटेड फॉर्म में किस तरीके, आप चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं और पीछे तो अब हम नोट करवाने ही वाले। चलिए देख लेते हैं ये पूरी की पूरी कहानी, इसको रफ कर देते हैं। चलिए तो देखो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो हमें क्या देखा कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 डॉट 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 Qm विद पोजीशन वेक्टर्स, और उनके पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, हमने मान लिया कि उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं R1 R2 Rn डॉट 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 रिलेटिव टू सम ओरिजिन O, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मानते हैं कोई भी चीज। तो ये है, फिर क्या है, एट पॉइंट पी वी हैव टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमें पी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पूरे चार्जेस के कारण। तो देखो इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट R, यानी R पॉइंट पर E1 क्या होगा, ड्यू टू Q1 एट R1 इज गिवन बाय, देखो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 R1 P का स्क्वायर, R1 P का कैप। और R1 P कैप क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर है ये, इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 टू P, यानी Q1 से जो P की डायरेक्शन में वही क्या है, R1 P का कैप। क्लियर हुई बात? देखो यही चीज मैंने लिखी थी, पीछे अगर आप देखें तो क्लियर हो जाएगा। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, एंड R1 P इज द डिस्टेंस बिटवीन, और ये डिस्टेंस है और इनका यूनिट वेक्टर क्या है, R1 P का कैप। फिर इन द सेम मैनर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एट R ड्यू टू Q2 एट R2, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 को समझें हम, तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे जो E2 होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि E2 की डिस्टेंस क्या है, R2P, और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, R2P का कैप। देखा था तो E2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर R2P कैप। ये हो गई एक इक्वेशन, एक ही हो गई। सिमिलरली अगर हम आगे भी देखें, वेयर R2P कैप इज अ यूनिट वेक्टर, पहले ही बता चुके हैं कि R2P क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू P, यानी Q2 से लेके P की तरफ, देखो एरो भी लगाया है मैंने, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। फिर देखो एंड R2P इज द क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड P, आगे देख लेते हैं। देखो जरा सिमिलरली एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E3 E4 डॉट डॉट En ड्यू टू चार्जेस Q3 Q4 Qn कैन बी फाइंड आउट, यानी कि हमने वही बात कही थी, अगर n चार्जेस हैं तो उनके कारण भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ, बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखो ये भी कहीं ना कहीं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट आर ड्यू टू द डिस्टेंस ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई आर यहाँ पर केवल ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है, हमने मान ली कि वो ओरिजिन से, जो इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है ई, हमने मान ली कि वो कहीं ओरिजिन से डिस्टेंस उसकी क्या है, आर है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में आपको आर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये बात आपको मेंशन ज्यादा दिमाग में नहीं लेनी है। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, जो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मानी थी, तो देखो यही चीज आ गई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 R1 P का स्क्वायर R1 P कैप प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q2 R2 P का स्क्वायर R2 P कैप प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक, n तक। ठीक है इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं, सब में देख रहा होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n तक, तो इसलिए हमने कॉमन ले लिया। फिर इसका हमने समेशन कर दिया, और समेशन किस तरीके से हुआ है आप देख लो, क्योंकि r के नीचे जो चार्जेस की डिस्टेंस है 1, ये 2 यानी सेकंड चार्ज के लिए, ये पहले चार्ज के लिए, और ये n चार्ज के लिए, और चार्जेस यानी Q1 Q2 Qn ये चेंज हो रहा है, तो हमने 1 2 जो वेरिएबल है हमने उसकी जगह पे क्या लगा दिया, i, और i की वैल्यू कहां से लाई कर रही है, 1 से लेके n तक। जो i की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, 1 से लेके n तक, तो इसलिए हमने यहां पर इस तरीके से इसको दिखा दिया। तो 1 4 5 एप्सिलॉन कॉमन निकाल दिया, और सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n तक Qi अपॉन RIP का स्क्वायर RIP, और ये RIP क्या है, कैप। तो आपको आई होप ये चीज बहुत हद तक क्लियर हो गई होगी, RIP का कैप लगा हुआ है। तो यही जो है, तो देखो आपने यहां पर क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट फॉर्मूला है वो हमारा निकल के आ गया। तो सुपरपोजिशन यही जो है वो क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, हम इसी को क्या कह सकते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई फील्ड लिख दिया तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो क्या लिखा हुआ है, हेंस ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट वेरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर पॉइंट इन स्पेस एंड इज डिटरमाइंड फ्रॉम द पोजीशंस ऑफ द सोर्स चार्ज, यानी जो चार्जेस के कारण जो फील्ड पैदा हो रही है, जैसे पी पॉइंट पर जैसे Q1 था, Q2 था, Q3 था, तो इन चार्जेस के कारण जब पी पॉइंट पर एन था,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो इन चार्जेस पर और इन चार्जेस की पोजीशन पर, पोजीशन मतलब आर डिस्टेंस, इनकी पोजीशंस पर डिपेंड करता है। तो ये बात लिखी हुई है कि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैदा होगी ओरिजिन से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन चार्जेस पर और इनकी पोजीशंस पर। पोजीशन मतलब समझ गए होंगे कि R1P, R2P, R3P, RNP, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस बात पर डिपेंड करेगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो जरा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना है, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पर हम आगे आने वाला न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो देखो जरा क्या कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉलिंग चार्ज। यानी हमारे पास एक फ्री फॉलिंग चार्ज है, कोई भी चार्ज है, सपोज दैट हमने प्रोटॉन मान लिया, सपोज दैट हमने क्या किया इलेक्ट्रॉन मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो जब वो अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल होगा, देखो फ्री फॉल का मतलब क्या हो जाता है, कभी भी एक चीज लिखी हो फ्री फॉल, तो फ्री फॉल का मतलब होता है कि उसकी उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी यू, वो कैसी हो जाएगी, जीरो। देखो फ्री फॉल का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमने उसको जस्ट ड्रॉप कर दिया इस तरीके से, छोड़ दिया, तो वो फ्री फॉल क्या होगा, उसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा और इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मान लिया ये हमारे पास क्या है, हमने ये मान रखा है कि ये जो है वो क्या है, प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली फॉल हो रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने वाली, चाहे प्रोटॉन मान लो चाहे आप इलेक्ट्रॉन मान लो, जो भी मानना हो। तो देखो इसका क्योंकि मास होगा, हमने मान लिया कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, एमपी, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इलेक्ट्रॉन का केस ले रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मान लिया, एम मान लिया। अब जब ये फ्रीली फॉल हो रहा है तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा, इसमें क्या आएगा, कुछ एक्सेलरेशन आएगा। तो हमने मान लिया जो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन है वो कितना है, एपी, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक्सेलरेशन कितना है, ए। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री फॉल हो रहा है तो इन फील्ड उस पर फोर्स भी लगेगा, तो फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, देखो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला देखा था पीछे, अभी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी चार्ज पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एफ प्रोटॉन पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज। अब आपको एक चीज पता है कि जो प्रोटॉन होता है इस पर चार्ज कितना होता है, इस पर चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पर, ई, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, वो भी होता है ई, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि क्यू की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, आप लोग बताइए, जो क्यू है प्रोटॉन के लिए जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ई, और ई मतलब ये क्या है, क्यू पी प्रोटॉन का चार्ज, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा ई, यानी क्यू पी की जगह पे ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई ही होगी, ये हो गया। आप लोग एक चीज और जानते हैं, बट फोर्स जब फ्री फॉल हो रहा हो तो फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सोचो मेरे भाई यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, एफ प्रोटॉन पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का मास इनटू प्रोटॉन का एक्सेलरेशन। तो इसको माना है फर्स्ट इक्वेशन और इसको माना है सेकंड इक्वेशन, तो हम क्या कह सकते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो क्या हम एक बात कह सकते हैं, दोनों में ही एफ पी एफ पी है, तो हम एफ पी एफ पी को ऐसा ही रखें, तो हम इन दोनों से एक बात कह देते हैं, फिर तो क्या हो जाएगा, एम पी इंटू ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ई कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या हो गया, ई ई अपॉन एम पी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, तो अगर हो गई है तो इसको हम एक बॉक्स में कवर कर लेते हैं। तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो बात क्लियर हुई, ई अपॉन एमपी। अब एक्सेलरेशन निकल आया तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे टाइम पूछ सकता है, तो आप वही मोशन की इक्वेशन लगा देंगे, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो है, तो मोशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप सभी लोग जान रहे होंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पर भी जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ई, इसको मान लेंगे क्या, थर्ड इक्वेशन। एंड आप लोग एक चीज और जानते हैं, फोर्स अगर उस तरीके से देखें तो एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो कमोबेश वही स्थिति पैदा हो गई जो यहां पर हुई थी इन दोनों के कारण, और सिमिलरली इन दोनों के कारण। तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए भी देख सकते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन यही फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर इलेक्ट्रॉन इक्वेशन कौन कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दूं, बताओ जरा लिख दूं कि ना लिखूं, चलो लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा,
एम ई इंटू ए इज इक्वल टू ई, यानी चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ई अपॉन एम ई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज दी जाएंगी, ए की वैल्यू और पी की वैल्यू तो आपको पता है, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई इलेक्ट्रॉन पे, कह दो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, लेकिन ये माइनस में। और अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर E इज इक्वल टू कितना होता है, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बस इन दोनों ही फॉर्मूलेस को आपको लर्न करना है। तो देखो एक्सेलरेशन तो हमें पता चल गया, अगर इनिशियल वेलोसिटी इतनी है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो क्योंकि अभी कहानी बंद नहीं हुई है, चलो देखो हमने इतना तो नोट कर लिया होगा, तो आप लोग इसको बैकग्राउंड डाल के नोट कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी, हमसे कोई भी कंडीशन पूछ सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज दैट कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है जब फ्रीली फॉल हो रहा है, तो कोई हाइट तो कवर कर रहा होगा ना, कोई भी हाइट कवर कर रहा होगा। तो मान लिया कि हाइट कितनी कवर कर रहा है, एच, और जो टाइम ले रहा है यहाँ तक आने में वो टाइम कितना ले रहा है, टी। तो देखो और फ्री फॉल हो रहा था तो यू इज इक्वल टू कैसा था, जीरो। तो हम यहां पर एक्सेलरेशन अगर पता चल गया तो बाय मोशंस इक्वेशन कब हमने मान लिया कि हाइट जब फ्री फॉल हो रहा है तो हाइट जो है वो कितनी है, एच है, और टाइम हमने मान लिया कितना कवर करेगा, टाइम टी कवर करेगा। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब मोशन इक्वेशन और यू इज इक्वल टू आपको जीरो दिया ही हुआ है, तो मोशन इक्वेशन में हम बाई सेकेंड इक्वेशन देखें। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है आप लोग बताओ, आपको पता होगा जो हमारी सेकंड इक्वेशन मोशन की होती है वो होती है एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होती है कि नहीं, ये बात होती है। अब एच तो एच है, यू लेकिन बेटा जीरो है, यू कैसा है आप सबको पता है, यू जो है वो जीरो है, और टाइम कितना है, टाइम को हम टी मान चुके हैं, प्लस हाफ ए की जगह पे। अगर देखो ए क्या है, अब इलेक्ट्रॉन का मास भी हो सकता है और सॉरी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी हो सकता है ए, और प्रोटॉन का भी एक्सेलरेशन होता है, तो टी स्क्वायर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो आपको ये इक्वेशन भी पता चल गई, यानी हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना। तो हाइट निकालना हो तो इस वाले फॉर्मूले में अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन रख देना, और अगर हम बात करें किसकी, प्रोटॉन की, तो इसमें क्या करना, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन रख देना, ए पी इज इक्वल टू ई अपॉन एम पी। तो बात क्लियर हुई। हाँ अगर यहां पे टाइम पूछ ले, देखो ऐसा भी तो वो कर सकता है कि हमसे टाइम पूछ ले, यानी टाइम टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, टू को इधर ले जाओ, टू एच, ए को नीचे ले जाओ, यानी टू एच अपॉन ए, और टी स्क्वायर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, फूट, तो टू एच अपॉन ए, और ए की वैल्यू अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए रखें चाहे प्रोटॉन के लिए रखें, देखो टू एच तो है ही, और ए की वैल्यू अगर रखनी है तो हम इसको ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अपॉन ए की वैल्यू ई ई, और ऊपर क्या आ जाएगा, मास, मास किसी का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, और किसका हो सकता है, प्रोटॉन का भी हो सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, जो भी दिया हो डायग्राम में हम उसी हिसाब से उसको देख लेंगे। तो आई होप आपको ये फॉर्मूलेज भी क्लियर हो गए होंगे, ये फॉर्मूले दोनों ही इसलिए लर्न कर लो क्योंकि आने आने आगे आने वाले न्यूमेरिकल में इन दोनों ही फॉर्मूलोज का यूज होना है। तो 2H Me upon E, या आपको ऐसा नहीं याद करना है तो 2H upon A, और A की वैल्यू फिर बाद में पुट कर दो। तो इतना पूरा कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आप देखो मैंने जो ऊपर हेडिंग लिखी थी वही यहाँ पर काम किया, क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, आपने देखा पीछे कि इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स या क्यूई वो भी होता है, और एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन, इन सभी के बीच में हमने यहाँ पर रिलेशन देख लिया। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, केवल और केवल हमने दो इक्वेशंस को फॉलो किया है और उन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में लिंकअप कर दिया है। एक तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, और दूसरा एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है। इन्हीं दोनों को हमने क्या किया, एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, हमने केवल और केवल इन दोनों ही इक्वेशंस को आपस में लिया है, और इन्हीं से हमने क्या निकाला है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू ई अपॉन एम। और अगर बात आएगी इलेक्ट्रॉन की, और अगर बात आएगी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्रेशन ए हो जाएगा कि नहीं, ए इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास। और अगर बात आ जाएगी किसकी, प्रोटॉन की, तो देखो कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, बहुत सिंपल है, अगर आपने एक बार मन से पढ़ाई की है तो सिंपल है बहुत ज्यादा। तो एक्सप्रेशन प्रोटॉन का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पे भी चार्ज ई होता है, ई अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अब ज्यादा सिंपल लग रहा होगा, बस ये दोनों इक्वेशन का ही तो पूरा खेल है।
चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, ये एक कॉन्सेप्चुअल टर्म है। समझ में आ गई बात? ये एक क्या है? ये एक कॉन्सेप्चुअल टर्म है, कॉन्सेप्चुअल टर्म। तो इससे आपको पूरा पूरा डायग्राम जो पीछे हमने खिचड़ी पढ़ी वो पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो हम एक और न्यूमेरिकल लगाते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत क्लियरली लगा सकते हैं। तो देखिए जरा पहले क्या लिखा हुआ है, पूरा का पूरा हम देख लेते हैं और डायग्राम भी यहाँ पर क्लियर हो गया। डायग्राम को बाद में देखेंगे क्योंकि डर लगेगा बहुत से लोगों को, इसलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो जरा। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, गिर रहा है, कौन गिर रहा है? इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है गिर रहा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, यानी इसकी डिस्टेंस दी हुई है या हाइट दी हुई है, हम डिस्टेंस कह सकते हैं या हाइट कह सकते हैं। कितनी दी हुई है? 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 1.5 × 10⁻²⁪ मीटर। अब ये मत पूछना भाई कि मीटर में कैसे कन्वर्ट किया, ये तो आना चाहिए ना इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसमें उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है हमें, देखते जाइए आप। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगली बार से ई फील्ड लिखा करेंगे, ये चीज आप याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है? 2.00, क्यों लगाना? 10⁴ न्यूटन पर कूलोम। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, अच्छा डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नीचे था अगर तो ऊपर की तरफ कर दिया। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, यानी ई की वैल्यू वही रखी केवल डायरेक्शन चेंज कर दी। अंडर एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, यानी कि प्रोटॉन भी सेम डिस्टेंस पे फॉल होता है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, बहुत सिंपल है भाई, केवल और केवल उसने हमें उल्लू बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर कहानी हो रही थी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और जो दूसरा केस वो कह रहा है सेम चीज कह रहा है किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। तुम डायरेक्शन बदलो, कुछ भी बदलो, हमें उससे क्या लेना देना। हाइट प्रोटॉन के लिए भी वही सेम कहानी रहेगी, यहाँ पर भी जो प्रोटॉन है उसकी भी हाइट कितनी रहने वाली, यानी कितने डिस्टेंस पे फॉल करवाया उसने? एच इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻²। ठीक है ना, इतनी बात होगी। और प्रोटॉन, पहली चीज तो यहाँ पर चार्ज लिख देते हैं क्योंकि चार्ज ज्यादा जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्यू इज इक्वल टू ई मानते हैं हम तो ये मानते हैं, और होता ही है माइनस होता है, लेकिन हमें माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, फिर ही लिख लेते हैं 1.6 × 10⁻¹¹। और जो प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है? उस पर भी चार्ज ए होता है, और ये होता है प्लस का 1.6 × 10⁻¹¹। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। अब डायग्राम से क्या लेना देना यार, कॉन्सेप्ट तो हमें वैसे भी समझ में आ गया क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए हम लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो कह रहे टाइम निकालो ईच केस में, भाई हमें मास भी तो बता दो, नहीं बता रहे हो। चलो इसमें लिखा था हालांकि, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आप सभी लोगों को पता होगा, 9.1 × 10⁻³¹ kg। ये क्या है? मास है। किसका मास है भाई? इलेक्ट्रॉन के नीचे लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का ही होगा केजी। और आप सभी लोगों को पता होगा कि जो प्रोटॉन का मास होता है कितना होता है, मास प्रोटॉन का कितना होगा यार, वन पॉइंट, मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 × 10⁻²¹ kg। तो देखो मास भी पता है हम लोगों को। अब वो कह रहा है भाई कि टाइम निकालो ईच केस में, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमें टाइम निकालना है और किसके लिए? प्रोटॉन के लिए भी टाइम निकालना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल देता हूँ, आप लोग प्रोटॉन के लिए निकाल लेना, है कि नहीं? फ्री फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो यू इज इक्वल टू कैसा होने वाला है? जीरो। तो देखो एक्सप्रेशन अभी यहाँ हमने देखा था, ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? क्यू ई अपॉन एम ई था नहीं, तो ई ई अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो ये टाइम हमसे पूछ रहा है, तो प्रोटॉन का भी एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटॉन, वेरी सिंपल। अगर देखो एक्सप्रेशन भी पूछ लेता मैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको, अपॉन एम पी। तो देखो इलेक्ट्रॉन की e की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹¹ e की वैल्यू दी हुई है और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल चुके। तो अगर एक्सप्रेशन पूछ लेता है इस केस में, तो वो भी हम निकाल लेते, हम लोग तो वैसे भी बचपन से उसे आ रहे हैं। अगर आपसे हाइट पूछता, देखो हाइट तो दी है, तो टाइम पूछता, देखो आप लोगों को पता है कि जो टाइम होता है हम लोगों ने किस फॉर्मूले से निकाला था? एच इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर से निकाला था कि नहीं? टी इज इक्वल टू क्या निकाला था? अंडर रूट 2h/a। अब देखो इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम निकालना है तो क्या कहानी होगी? तो टाइम किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन इतना है, तो टी ई इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? 2h/ ए ई की जगह पे 2h, और ए ई की जगह पे ई ई अपॉन एम ई नहीं लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो क्या लिख देंगे? ई अपॉन एम ई, एम ई कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ 2, एच की वैल्यू कितनी है कहां गया भाई? 1.5 × 10⁻²। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻³¹ अपॉन
ये तो हो गया ई, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10^-19 स्मॉल ई की इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी है 2 × 10^4। क्या आप इस कॉन्सेप्ट से आप पूरा का पूरा सॉल्व नहीं कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, और सिमिलरली अगर यहां पर टाइम निकालेंगे किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए अगर टाइम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, सेम कॉन्सेप्ट ही तो होगा मेरे भाई। तो टी किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, अंडर रूट ऑफ 2h मास ऑफ द प्रोटॉन अपॉन ई ई। तो देखो इसी चीज से तो निकालेंगे, आई होप आपको ये चीज भी बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होगी प्रोटॉन के लिए। तो बस प्रोटॉन के लिए भी वही वैल्यूज पुट करनी है और इलेक्ट्रॉन के लिए भी। आई होप इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा आप नोट कर लीजिए और आपको पूरी क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो इस डायग्राम में भी समझ में आ रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन था दो प्लेट्स के बीच में, एक साइड माइनस था एक साइड पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और प्रोटॉन क्या होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये चीज भी आपको क्लियर होगी। चलिए इसी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल काफी हद तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। चलिए तो पूरे न्यूमेरिकल को हम देख चुके हैं, हमें पूरा पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ चुका है, हम न्यूमेरिकल की तरफ देख चुके हैं। दोनों ही केसेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए यहाँ पर फॉर्मूले जो हमने लगाए थे, एक तो एफ इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एफ इज इक्वल टू एक और होता है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई यानी ई इंटू ई, चाहे इलेक्ट्रॉन के लिए हो चाहे प्रोटॉन के लिए हो। ये वाला केस किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये वाला केस किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए। तो आपने एक चीज देखी, हमने बिना डायग्राम देखे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली कर दिया। तो यहाँ से एम ए इज इक्वल टू क्या निकल गया था, ई ई, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ई ई अपॉन एम, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। और फिर हमने टाइम निकाला, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2h अपॉन ए, और ए की वैल्यू पुट कर दी एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम और एक बार प्रोटॉन के लिए। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम टी, प्रोटॉन के लिए टाइम टीपी, इज इक्वल टू क्या हो गया, समझ गए होंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम अपने लेक्चर को आज यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे फेसबुक चैनल और हमारे फेसबुक के पेज पर अपने मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी नीचे मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं। आज के लेक्चर को बस यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।